दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर से आए विकलांग लोगों ने अपनी 10 मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन, जिसमें कि उन्होंने कहा एक देश एक संविधान है, तो हमारी जो मांगे हैं या जो पेंशन है वो भी एक देश एक संविधान के हिसाब से मिलनी चाहिए, और विकलांग लोगों को रोजगार के लिए 5 लाख तक का लोन दिया जाए, और जो उनको पेंशन दी जाती है वो 5,000 से 8,000 रुपये दी जाए, जिससे कि अपना रोजगार कर सके और अपना घर परिवार चला सके। इस मौके पर इन लोगों ने मीडिया से बात की, आइए हम सुनाते हैं इन सभी का क्या कुछ कहना। आज आपने क्या मांग रखा है, आप जंतर मंतर पर आए हुए हैं, क्या क्या आपकी मांग है प्रधानमंत्री? आज भारतवर्ष का विकलांग जंतर मंतर पर धरना देने के लिए आया हुआ है, क्योंकि विकलांग अत्यंत परेशान हो चुका है, वो इसलिए इस धरने स्थल पर आया है। हमारी मांग है कि जो अलग अलग राज्यों में पेंशन विभिन्न विभिन्न रूप से दी जाती है वो सब बंद की जाए, और विकलांग पेंशन 5,000 रुपया मंथ की जाए। एक जब कानून एक, संविधान एक, देश एक, तो विकलांग पेंशन एक क्यों नहीं हो सकती? विकलांग पेंशन भी एक हो, और रोजगार विकलांगों को रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अगर 5 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराएं तो विकलांग बेरोजगारी से मुक्ति पा सकता है। लेकिन यह सरकार विकलांगों को रोजगार देने की बात करती ही नहीं, सिर्फ इसको तो राम मंदिर की बात करना आता है, हिंदू मुस्लिम की बात करना आता है, विकास की बात कुछ नहीं, विकलांगों के लिए रोजगार की बात कुछ नहीं। दिव्यांग नाम तो दे दिया, लेकिन उसका अर्थ इन्होंने आज तक उसका विकास कुछ नहीं किया। अगर यह सरकार विकलांगों को रोजगार नहीं दे सकती तो विकलांगों को बेरोजगारी भत्ता 8,000 रुपया महीना दे। आरक्षण यानी कि जितनी भी ग्राम पंचायत से लेकर के लोकसभा राज्यसभा तक जितने भी इलेक्शन होते हैं उसमें भी सीट निर्धारित की जाए, आरक्षण दिया जाए, और ये है कि उनके जो दिव्यांग हैं उनकी और उनके बच्चों की शिक्षा निःशुल्क की जाए, उनकी पेंशन 5,000 की जाए, और उनका एक अंत्योदय राशन कार्ड सभी का अनिवार्य हो, दिव्यांगों का भी प्लस विधवाओं का भी, और इनका जो आरक्षण है जो गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार ने 4% किया है उसको बढ़ा करके 15% किया जाए, जिससे कि इन फ्यूचर यानी कि भविष्य में उनके और उनके बच्चों के लिए काफ़ी काम आएगा। क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं ऐसे जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं लेकिन वो कुछ करना चाहते कर नहीं पाते, और उनके लिए 5-5 लाख रुपए का इंश्योरेंस हो और उनको लोन दिया जाए जिससे कि वो अपना छोटा मोटा रोजगार कर सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। तो गवर्नमेंट से हमारी ये मांगे हैं, इनके लिए हम यहाँ आए हैं, और काफ़ी पूरे देश से काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं अपनी इन मांगों और आशा को लेकर के कि कुछ हो, गवर्नमेंट हमारी बात सुने। धन्यवाद। तो प्रभारी विकलांग सेवा समिति, हमारी मांग है कि विकलांग पेंशन 5,000 रुपये एक देश एक पेंशन लागू हो, और विकलांग विधेयक 2016 को जमीनी स्तर पर लागू करें, और विकलांग का 5 लाख तक का इंश्योरेंस करें, और शिक्षा निःशुल्क करें, विकलांगों की बैंक लाख भक्ति करें, विकलांगों का आयुष्मान कार्ड लागू करें, और सभी चुनाव में विकलांगों की सीट आरक्षित की जाए, और प्रधानमंत्री आवास योजना में विकलांग विधवाओं की आवाज़ निःशुल्क दिए जाए, और सभी सरकारी नौकरियों में विकलांगों की सीट आरक्षित करें, विकलांगों का सम्मान किया जाए। अगर नहीं सरकार आप लोगों की सुनवाई करती, आगे के कदम क्या उठाएंगे? आगे के कदम यह है कि हम जो हमारा भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, आत्मदाह तक भी करने, हम एक एक कतरा खून का विकलांगों के समर्पित कर देंगे। हॉस्पिटल्स में विकलांग प्रमाण पत्र जो कि इजीली बन जाना चाहिए विकलांगता देखते हुए, वो बिल्कुल नहीं बना के देते हैं, बनाते हैं तो परसेंट पहले भगाते हैं कि इस अस्पताल का भी विधानसभा आपके में नहीं आता है, आप उस हॉस्पिटल जाइए, उस हॉस्पिटल में कहते हैं कि ये आपके विधानसभा में नहीं आता है। सरकार से मांग करें, केंद्र सरकार से, दिल्ली सरकार से और केंद्र सरकार से यही मांग है कि जो पेंशन है अलग अलग राज्यों में अलग अलग दी जा रही है, उसे एक पेंशन एक देश करा जाए, और सर जो रेंट पर विधवाएं विकलांग रह रहे हैं सभी राज्यों में दिल्ली से अलग, केंद्र सरकार से मांगे कि उन्हें भी आवास दिए जाए। और लाइक शेयर एंड कमेंट, टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।